सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और साथ ही बजाएं घंटी का बटन ताकि आपको मिल सके हर वीडियो सबसे पहले। राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है मेरे हाथ के स्वाद चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ बिल्कुल आसान रेसिपी और बिल्कुल हेल्दी रेसिपी। इतना आसान रेसिपी आपने सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, बनाया भी नहीं होगा। वो रेसिपी है, इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है और खाने में इन सर्दियों के मौसम में बहुत ही मज़ेदार है। देखिए, हमने इसमें चार सामग्री है। बात देखिए, हमने एक कढ़ाई दिया है और कढ़ाई में सरसों का तेल दिया है। ये लगभग 100 ग्राम सरसों का तेल है। यहीं पर 10-12 हरी मिर्च हमने काट के दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है और इसमें हमने हरी मिर्च को डाल दिया है और इसको हम थोड़ा फसा भून लेंगे हरी मिर्च को। और यहीं पे हमने ये 5 किलो मूली के मुलायम पत्ते हमने काट के दिया है, बारीक बारीक काट के धो लिया है। ये 5 किलो, वैसे तो ये 20 किलो मूली का पत्ता है, लेकिन ये उसमें से मुलायम पत्ता छांटने के बाद, ये 5 किलो मुलायम पत्ते में छांटने के बाद, ये उससे भी मुलायम किए हमने छांट छांट के, तो इतना पत्ता निकला है। ये 20 किलो मूली का पत्ता है मुलायम, जो कि ये 4-5 किलो में आ गया है और बनने के बाद ये 1-1.5 किलो में आ जाएगा। हमने इसमें डाला है सरसों का तेल 100 ग्राम और 10 हरी मिर्च काट के डाला है। अब इसमें डालना सिर्फ बाकी है, इसके गलने के बाद डालना है नमक। ये देखिए, नमक थोड़ा सा डालते हैं कि ये गल के पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें 1 किलो करीब बच जाएगा मूली के पत्ते। इस तरह से मूली की भुजिया, पत्ते की भुजिया बनाएं और खाएं, हेल्दी रहें। लेकिन ज़रूर एक बार मूली के पत्ते की भुजिया बनाएं आप और हमें ज़रूर लिख के बताएं कि आपका मूली के पत्ते की भुजिया बनाएं। देखिए, ताज़ा मूली के पत्ते हैं, इस वजह से इसमें पानी छोड़ रहा है। गैस का फ्लेम हम अभी मीडियम रखे हैं, अब लो कर देंगे गैस का फ्लेम, क्योंकि पानी इसका जल जाएगा और ये मूली की भुजिया बनकर तैयार हो जाएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आप कमेंट्स करते हैं उस वीडियो को हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपलोड करें, और जो भी आप करेंगे उसको भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी उसका वीडियो अपलोड करें। और आपको कोई भी नई रेसिपी आप जानते हैं तो हमारे साथ शेयर करें, और हमसे जो गलती हुई है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ऐसे करना चाहिए। फिर हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।